प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के गणित के इस पीरियड में आपका एक बार फिर स्वागत है। पूर्व में हमने प्रश्नावली 6.2 के जो सवाल कराए थे उसके आगे देखिए, आज फिर एक सवाल है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कल हमने इसका विलोम सवाल कराया था। उसमें क्या था के शबनम था और उसको सिद्ध करा रहा था ये संबंध। अब इसमें ये संबंध दिया हुआ है और इसमें समलम्ब सिद्ध करा रहा है कि समलम्ब है, सिद्ध करिए चतुर्भुज को। क्या है? एक चतुर्भुज एबीसीडी कोई भी हो सकता है के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ओ ए बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलम्ब चतुर्भुज है। क्या होगा? देखिए दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। देखिए ए बी सी डी चतुर्भुज हो गया आपका, जिसके विकर्ण ए सी व बी डी, ए सी ये वाला बी डी ये वाला है, एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथा दिया हुआ क्या है? ए ओ बटे बी ओ ये लिखा हुआ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये हमें दिया हुआ है इसके अंदर। ए ओ बटा बी ओ ये वाला और सी ओ बटा डी ओ, सी ओ बटा डी ओ ये वाला। ठीक है, तो अब सिद्ध क्या करना? ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ओ से ओई समानांतर डी सी खींची हमने, ओ से एक समांतर डी सी या सी डी के समांतर रेखा खींच ली, खींच गई ये आ गई ओई। वो पत्ती देखिए त्रिभुज ए बी, ए बी डी सी, बी डी सी, देखिए ये समांतर रेखा है तो इसका ये अनुपात के बराबर होगा। देखिए बी ओ बटा डी ओ, ओ डी या डी ओ एक ही बात है, बी ओ बटे डी ओ ये आ गया बराबर बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी। समीकरण नंबर एक डाल दिया इसको, परंतु दिया हुआ भी हमारे पास कुछ ए ओ बटे बी ओ दिया हुआ हमारे पास बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो अब हमने क्या करा, तो इसमें हम क्या करेंगे चेंज थोड़ी सी कि ये सी ओ यहाँ पे जो है, यहाँ पर सी ओ यहाँ ले आएंगे, ये आ गया ए ओ बटा सी ओ और बी ओ जो है वहां पहुंच जाएगा बी ओ बटे डी ओ। अब क्या समीकरण एक व दो से, समीकरण एक ये वाली है और दो हमारी ये वाली है, इसको दो ऐसे ही लिखे देते हैं दो। क्या होगा? देखिए ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ ये वाला, और दूसरा है बी ई बटे ई सी। कैसे आया? देखिए बी ओ बटा डी ओ बराबर बी ई बटे ई सी, और यहाँ यहाँ क्या है? बी ओ बटे डी ओ किसके बराबर? ए ओ बटे सी ओ गए। तो अगर हम इसको दोनों साइड एक सी कर लें, देखिए यहाँ इसका मान इसमें रख दिया हमने, क्या आएगा ये वाला ए ओ बटे सी ओ यहाँ रख दिया, इसी में मान लीजिए हम इसका मान रख रहे हैं, तो ए ओ बटा सी ओ यहाँ रख दिया और ई बी ई बटे ई सी आ गया। अब इसका व्युत्क्रम कर दिया हमने उल्टा, जैसे पूर्व सालों में करते आए हम, तो सी ओ ऊपर पहुंच गया ए ओ नीचे आ गया और ई सी ऊपर पहुंच गया बी ई नीचे आ गया। अब थेल्स के प्रमेय के विलोम से हम देखेंगे, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो क्या है ओ ई समानांतर ए बी हो जाएगा। ओ ई कौन सी है? देखिए ये वाली, इसके समांतर हुई कैसे हुई? सी ओ बटे ए ओ, सी ओ देखिए सी ओ बटे ए ओ ये वाली आ गई, और क्या हुई ई सी बटे बी ई। अब ये त्रिभुज हो गया हमारा, तो ये वाली भुजा इसके सम बटे में हो गई और ये वाली भुजा इसके बटे में हो गई, तब ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी। तो ये लिखा हमने ओ ई समानांतर ए बी आ गया। अब हम पहले में हम ये सिद्ध कर चुके हैं, रचना से हम ये कर चुके हैं कि हमने ओई जो खींची थी वो डी सी के समानांतर खींची थी, तब ओई ए बी के समानांतर हो गई, तब जब ये इसके समानांतर हो गई, इसके समानांतर ये थी तो ये कैसी होंगी आपस में? समानांतर हो गई, इसलिए ए बी समानांतर सी डी, ए बी है और सी डी है, जब ये समानांतर है तो कैसा चतुर्भुज हो गया ये? अतः ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसलिए ए बी सी डी एक समलंब है। ये हमें सिद्ध करना था आज के पीरियड नंबर इतना ही।